हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा टेरिस गार्डन। आज की वीडियो में हम अपराजिता प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। विंटर का सीजन है और विंटर में आपने देखा होगा कि अपराजिता के प्लांट्स पीले पड़ने लगते हैं और उनमें फ्लावर्स आने भी बंद हो जाते हैं लगभग से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अपराजिता का प्लांट है और आप देख सकते हैं इसमें इसके लीव्स पूरी ग्रीन है। बहुत ही हेल्दी सा प्लांट है और इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं, आप देखिए। और ये देखिए एक और प्लांट है, ये भी देखिए बहुत ही हेल्दी प्लांट है और फ्लावर ही फ्लावर देखने को मिलेंगे आपको मेरे इस प्लांट में। और ये देखिए ये एक और प्लांट है, ये मैंने टोपियारी बनाई थी अपराजिता के प्लांट की, वही है इसके। ये भी देखिए ये भी बहुत ही हेल्दी प्लांट है, एक भी पत्ते आपको पीले नहीं दिखेंगे इसके। और इसमें देखिए फ्लावर भी बने हुए हैं, मेरे तीनों प्लांट में फ्लावर बने हुए हैं। और एक और प्लांट है मेरे पास, ये देखिए ये अपराजिता का ही प्लांट है और इसमें वाइट कलर में फ्लावर आते हैं, हल्का पिंकिश सा है इसका फ्लावर। ये देखिए इसका न्यू प्लांट भी मैंने अभी रेडी किया है, पूरा वाइट नहीं है ये, हल्का पिंकिश सा है, बहुत ही सुंदर सा कलर है। और प्लांट देखिए हरा भरा और हेल्दी सा है और बर्ड्स ही बर्ड्स आ रहे हैं, आप क्लियर यहाँ से देख लीजिए। देखिए इसमें भी बर्ड्स बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो बर्ड्स बने हुए हैं, जितने भी ब्रांचेस इसके नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं सभी में बर्ड्स बने हुए हैं। ये देखिए ये तो बहुत ही छोटा सा प्लांट है और देखिए इसमें भी कितने सारे बर्ड्स आ रहे हैं इसके जितने भी नोड एरिया है उसमें। तो आइए जानते हैं कि मैंने कैसे केयर किया। और ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने जा रही है जिनके अपराजिता प्लांट ख़राब होने को है विंटर के कारण से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अपराजिता का मदर प्लांट है। कुछ दिनों पहले इसके भी लीव्स पूरे पीले पड़ गए थे, फफूंद भी लग रहे थे इसमें और प्लांट पूरा ख़राब हो रहा था और फूल भी आने बंद हो गए थे। इसको मैंने क्या किया, प्रून कर दिया। अपराजिता के प्लांट को प्रूनिंग बहुत ही पसंद होती है, आप जितना इसको प्रून करेंगे तो प्लांट आपका हेल्दी रहेगा, विंटर में भी नए नए ब्रांचेस आएंगी और नए ब्रांचेस आएंगी उसमें नए बर्ड्स बनेंगे और आपका प्लांट हेल्दी हरा भरा रहेगा और फ्लावर की कमी नहीं होगी विंटर में भी। और पहला तो आप यही कर सकते हैं कि आपका जो मदर प्लांट है आप उसको प्रून कर दीजिए। और प्रूनिंग से ही काम नहीं चलता है फ्रेंड्स, जब भी हम किसी प्लांट को प्रून करते हैं तो उसमें नई ब्रांचेस आती है और न्यू ब्रांचेस जब उसमें आती हैं तो प्लांट को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए अच्छा सा फर्टिलाइज़र बना के हमें प्लांट में देना चाहिए। मैंने भी कुछ वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और सरसों खली ये सारे ड्राई मिक्स करके इनको दिया था। मैंने जब मैंने इनको प्रून किया था ये वाले प्लांट को, तब मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया था। आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने सारे प्लांट्स को देते हैं वही फर्टिलाइज़र आप दे दीजिए प्रूनिंग करने के बाद, आपका प्लांट फिर से हरा हो जाएगा। जो भी पत्ते पीले पड़े होंगे उनको हटा दीजिए, प्लांट को हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, आपका प्लांट फिर से हेल्दी हो जाएगा और फिर से उसमें फ्लावर आने लग जाएंगे जैसे मेरे इस प्लांट में आने लगा है। और दूसरा तरीका है प्लांट हेल्दी रखने का, आप नए नए प्लांट्स बनाते रहिए, आप इनके सीड्स कलेक्ट करिए और नए नए प्लांट्स बनाइए। इनके जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो विंटर में भी जल्दी से ख़राब नहीं होते। जैसे देखिए इस प्लांट को मैंने सीड्स से ग्रो किया है, ये मदर प्लांट है, इसी से सीड्स जो मैंने कलेक्ट किए थे उसी से मैंने ये दूसरा प्लांट रेडी किया है। और ये वाले पॉट में भी जो प्लांट है वो भी, ये दोनों पॉट मैंने सीड्स से जो प्लांट बनाए थे उसी से रेडी किए हैं। और ये देखिए प्लांट बिल्कुल हेल्दी है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि विंटर में ये ख़राब हो रहा हो और फ्लावर ही फ्लावर रहते हैं डेली। अभी तो दोपहर का समय हो गया है इसलिए फ्लावर थोड़े से स्पेंट से लग रहे हैं, सुबह देखने से ये फ्लावर बहुत ही प्यारे से होते हैं,
देखिए कितने सारे फ्लावर हैं इसमें, पीछे भी देखिए बहुत सारे फ्लावर तो इस पेंट भी हो चले हैं, कल के पुराने फ्लावर हैं ये। इन फ्लावर्स को हमें हटा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीड पॉट भी नहीं बनाना चाहिए, हमारे लिए एक से दो सीड पॉट काफ़ी होते हैं नए प्लांट्स बनाने के लिए। और ये देखिए मैंने जो वाइट वाला प्लांट भी शेयर किया, ये भी मैंने सीड्स से ही ग्रो किए हैं, और देखिए बहुत ही हेल्दी प्लांट है ये। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप इन दो तरीकों का यूज करके अपने प्लांट्स को, अपराजिता के प्लांट्स को विंटर में भी हरा भरा रख सकते हैं, और उसे ऐसे ही मेरी तरह फ्लावर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल हुआ या नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।